दोस्तों कई बार देखा जाता है कि यूपीएससी हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी परीक्षा, एस्पिरेंट्स के मन में हमेशा ही कई तरह के सवाल रहते हैं जिसके जवाब उन्हें इंटरनेट पे या किसी कोचिंग में भी नहीं मिलते। ठीक ऐसे ही आपके पास भी अपनी तैयारी को लेकर कई सवाल होंगे जिसके जवाब आपको शायद मिल नहीं पा रहे हो। तो आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए 16 अप्रैल को आईएएस नवीन कुमार चंद्रा संडे सुबह 11 बजे से अपने यूट्यूब चैनल पर क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें वो सभी एस्पिरेंट्स को यूपीएससी परीक्षा और अन्य गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी परीक्षा की तैयारी करवाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सबसे पहले वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट पढ़ाएंगे। इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको आईएएस नवीन कुमार चंद्रा के यूट्यूब चैनल पर जाना होगा। इसके अलावा क्लास को ज्वाइन करने की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आपको बता दें आईएएस नवीन कुमार चंद्रा साल 2017 बैच के आईएएस अधिकारी है। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर ली थी, पर कम रैंक के चलते उन्हें आईआरपीएस का पद मिला था। लेकिन इसके बाद भी नवीन ने अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और साल 2017 में हुई यूपीएससी सीएसई परीक्षा में सफलता हासिल कर एक आईएएस अधिकारी बनने में सफल हो गए। आपको बता दें नवीन ने वैकल्पिक विषय के तौर पर राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय को चुना था। अपनी तैयारी के बारे में आईएएस नवीन कुमार चंद्रा ने कहा है कि मैंने अपने दिमाग से पूरी तरह से परीक्षा के डर को निकाल दिया था और यह सोच के परीक्षा की तैयारी की थी कि इस परीक्षा को सिर्फ एक परीक्षा के तौर पर देखूंगा, इससे बढ़कर कुछ नहीं, जिससे मुझे इसकी तैयारी के लिए बेहतर फोकस करने में मदद मिली। आपको बता दें एक आईएएस होने के अलावा आईएएस नवीन कुमार चंद्रा ने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है आप भी क्रैक कर सकते हैं यूपीएससी सीएसई। यह पुस्तक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मिल जाएंगी, जिसे आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन की मदद से ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।